साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि अब तक हमारे चैनल को आप सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। इसके लिए पुनः मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं और बार बार इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि आप इसको लगातार देख रहे हैं और अपने सुझाव और संदेश भी मुझे भेज रहे हैं। बहुत बहुत इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद। साथियों, आज मैं कहानी जो मैंने अपने शुरू की थी जन्म से लेकर के अब तक, उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि मेरा कई रूपों में आपके समक्ष मैंने अपने आप को प्रदर्शित करके एक एक करके जिन जिन रूपों को मैंने जिन जिस रूप में मैंने कार्य किया है बताने का प्रयास किया है। कई बार आपको लगा होगा कि ऐसी इन सब बातों की जिक्र करने की क्या जरूरत थी, लेकिन मित्रों, मेरा सिर्फ मतलब यह है आप सबको मोटिवेट करने का कि काम कोई भी बुरा नहीं होता, ना काम कोई छोटा ना बड़ा होता है, बस लगन से काम करना चाहिए और ईमानदारी और मेहनत से हर काम को करना चाहिए और इंटरेस्ट लेकर के काम करना चाहिए। अगर आपकी रुचि है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में आप अगर उस काम में असफल भी होते हैं तो निश्चित उससे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, ऐसा मेरे अन्य वीडियो में आपने सुना होगा। साथियों, आज मैं जिक्र करना चाहता हूं कि मैं अपने उस जब अध्ययनरत था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था और शिक्षा मेरी लगभग ग्रेजुएशन में कर ही रहा था, तो मैंने कचहरी में कानपुर कोर्ट में माननीय हमारे बड़े भाई देवेश त्रिपाठी जी एडवोकेट थे, मैं उनके साथ कुछ दिन उनके सहयोगी के रूप में काम करने का काम प्रयास किया और बहुत अच्छे ढंग से मैंने करा भी। मुंशी के रूप में काम हमें बताया गया कि आप हमारे मुंशी बन करके हमारा काम कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उस समय कि मुंशीगिरी क्या है, मुंशी में काम करना क्या पड़ता है, लेकिन परम आदरणीय भाई देवेश त्रिपाठी जी ने मुझे पूरा सिखाने का बताने का प्रयास किया और मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अपने काम से आदरणीय वकील साहब देवेश त्रिपाठी जी को, अपने सहयोगी साथियों को जो मेरे आसपास बैठते थे, और मैंने आए हुए अपने सभी उन जो भी सम्मानित ग्राहक थे हमारे वकील साहब के, उनको भी पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करता था। लेकिन एक चीज मुझे बहुत जो खल रही थी, जो जिसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कचहरी का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के लिए उसमें भला होता है, बहुत लोगों का काम होते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमें ऐसा लगा जैसे वहां बहुत सारे लोग दुखी आते हैं, परेशान आते हैं, और वकील साहब की भी अपनी मजबूरियां होती हैं कि वो आए हैं तो उनके काम को कराना ही कराना है, पैसे हैं तो भी होना है, पैसे नहीं हैं तो भी वो काम कराना है, कम है तो भी कराना है। और कई बार ऐसा लगता था हर आदमी इतना रोया हुआ, इतना दुखी, इतना परेशान होकर के आता था, तो मुझे वो कचहरी रास नहीं आई। साथियों, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ ये हमारे हिसाब से ये बिना पैसे के काम होना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं था। बहुत सारे एडवोकेट मेरे जानकारी में उस समय आते थे जो सुबह बैठते थे और शाम को कचहरी से जाते थे, कोई काम नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी के पास कोई काम नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास बहुत बहुत काम होता था। मैं पूरी कचहरी में घूम घूम करके बहुत सारे वकीलों से मिलता था, देखता था, तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे रास नहीं आया, तो मैंने अपने आप को उससे विड्रा कर लिया। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वकील साहब का साथ बहुत दिन नहीं दे पाया, 6 महीने ही काम उनके साथ कर पाया, और इसके बाद मैंने उनसे नमस्ते कर लिया कि मैं वकील साहब आपके साथ ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरी उस समय के जो रास थे साथी, वो बताने मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि मैंने वो हर चीजें आपको सबको बताने का प्रयास किया है जो कई बार बहुत सारे लोग अपने मुंह से नहीं बताना चाहते। मैं बताता हूं, वकील साहब उस समय मुआत खर्चे के रूप में 5 रुपए पर डे मुझे देते थे, मैं तब भी संतुष्ट था। मैं समझता हूं
कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, कचहरी से बहुत कुछ मुझे सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ और उस अनुभव का आज मैं लाभ उठाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे वकील साहब भी कहते थे क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, और बहुत सारे लोग मुंशी कहते थे। मुझे उस नाम से कोई भी गुरेज नहीं था और मुझे खुशी है कि मैंने वो भी एक लाइफ जी और आगे बढ़ करके आज आपके सामने है। जो मैंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं उस पर उन सबका भी आशीर्वाद और सहयोग है। वकील साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ मुझे सिखाने और बताने का काम किया था। आज की बात एक दिन का मुंशी, यही मेरी बात है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसी तरह से सीख करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।